और बड़ी खबर आपको बता दें, हिसार के उकलाना में जो 5 साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या हुई थी, उसमें 2 लाख के इनाम की घोषणा आरोपी पर की गई है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार की ओर से ये घोषणा की गई है कि जिसने मासूम से रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या की, उस आरोपी की तलाश जो इंसान करेगा उसको 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हिसार पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले पर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी इस घटना को काफी निराशाजनक बताया है। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, वीरेंद्र सहवाग का बयान सामने आया है। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें, बेहद गंभीर और शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया था। दोबारा से निर्भया कांड को दोहराया गया है। यहां तक लोगों ने माना है कि कहीं ना कहीं निर्भया कांड को यहां पर दोहराया गया है। बेहद ही बर्बरता से इस बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद जिस तरीके से उसके अंगों के साथ छेड़छाड़ की गई और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पूरा हिसार और हिसार का उकलाना, लोग शर्मसार हैं। 5 साल की बेहद मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी के ऊपर 2 लाख का इनाम हिसार पुलिस ने रखा है। कहा है जो भी उन आरोपियों का सुराग देगा, उनको पकड़ कर लेकर आएगा या उनकी जानकारी देगा, 2 लाख रुपए का इनाम उनको दिया जाएगा। महेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेश, बेहद ही गंभीर यह मामला है और शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया था। और अब क्योंकि आरोपी से कोसों दूर लग रही है पुलिस, तमाम जिस तरीके से सबूतों का अभाव है, कहीं ना कहीं दूर है पुलिस, तो ऐसे में 2 लाख रुपए का इनाम भी सामने आ रहा है कि घोषणा की है हिसार पुलिस ने, क्या जानकारी है? देखिए, शुरुआत में जो लोगों को हिरासत में लिया गया था, अब तक करीब 60 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 60 लोगों को इस पूरे मामले को लेकर संदिग्ध माना गया और विक्षिप्त मानसिकता से जुड़े लोग जो भी आसपास हो सकते थे, चाहे उस कॉलोनी के इलाके में जहां पर ये दलित बस्ती है और चाहे उकलाना के अंदर आसपास के जो इलाके हैं, जिस भी शख्स को विक्षिप्त की श्रेणी में रखा जा सकता था उसे पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई। 60 से ज्यादा लोगों से अब तक पुलिस पूछताछ कर चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर निकला है। कोई नतीजा पुलिस हासिल नहीं कर पाई है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, साइबर एक्सपर्ट्स लगातार अपना जो काम है, अपनी मेहनत है, वो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। साफ तौर से यही वजह है कि 2 लाख का इनाम पुलिस को घोषित करना पड़ा है। 48 घंटों का अल्टीमेटम पुलिस ने मांगा था आरोपियों को पकड़ने को लेकर, और इसी शर्त के साथ जो है बच्ची के अंतिम संस्कार को परिवार के लोग राजी हुए थे, स्थानीय लोग राजी हुए थे। उन 48 घंटों में से करीब 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, तो ऐसे में पुलिस के सामने जो प्रेशर है, जो चुनौती है, एक बार फिर से सामने खड़ी है। बुधवार के दिन जो शोक सभा है वो रखी गई है उकलाना में, इसी मामले को लेकर, इसी बच्ची के जघन्य हत्याकांड को लेकर एक शोक सभा का आयोजन किया जाएगा उकलाना के अंदर, और उसी में ये जो मियाद है 48 घंटों की वो खत्म हो जाएगी। और अगर 48 घंटों के भीतर पुलिस को कामयाबी नहीं मिलती है, बड़े आंदोलन की शुरुआत जो स्थानीय लोगों की तरफ से की जाएगी, और जाहिर सी बात है कि विपक्ष उसमें अपना समर्थन करेगा, क्योंकि लगातार जो है एक तल्खी भरे बयान जो है विपक्ष की तरफ से सरकार के सामने रखे जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की नाकामी सीधे सरकार की नाकामी बनेगी, और यही वजह है कि 2 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया, बावजूद इसके अभी तक पुलिस किसी नतीजे तक इस मामले को लेकर नहीं पहुंच पाई। जी महेश, काफी दर्दनाक ये घटना थी, पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो वो सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है, तो क्या लगता है अगर पुलिस के हाथ खाली रहते हैं तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है आगे? देखिए, फिलहाल ये फैसला सरकार को करना है। अगर 48 घंटों के भीतर पुलिस को नाकामी हाथ लगती है, जिस तरीके से अभी तक का जो परफॉर्मेंस पुलिस का नजर आ रहा है, हो सकता है कि भैया अगर पुलिस के हाथ को ऐसा सुराग लग जाए जिससे पुलिस इस केस को सुलझाने में कामयाब हो जाए, लेकिन अभी तक की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पुलिस एक्सपर्ट, चाहे साइबर एक्सपर्ट और तमाम जो चुनिंदा अधिकारी पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर जोड़े गए थे इस केस के साथ, बावजूद इसके अभी तक पुलिस जो है 60 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन किसी नतीजे तक हरियाणा पुलिस नहीं पहुंच पाई है, हिसार पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अब अगर ये मियाद खत्म होने तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो सरकार के पास यही एक आखिरी ऑप्शन आप कह सकते हैं कि सरकार ये कहने की कोशिश करेगी कि पुलिस को अगर कामयाबी नहीं मिल पा रही है तो हम ये केस सीबीआई को देने के लिए तैयार है, तो हो सकता है कि उसी आधार पर ये जो केस है फिर सीबीआई को दे दिया जाए, क्योंकि पुलिस अगर नाकाम रही, पुलिस अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई तो सीधे सीधे विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा, और जवाब देने के लिए सरकार के पास सीबीआई एक आखिरी हथियार बचेगा। बिल्कुल महेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।